पैग्निलियन इफेक्ट के बारे में आज जानेंगे। पैग्निलियन का कोई हिंदी वर्ड तो है नहीं। पैग्निलियन एक ग्रीक पौराणिक कथा से ये शब्द लिया गया है। पैग्निलियन कौन थे? पैग्निलियन एक स्कल्प्टर थे, एक मूर्तिकारक थे, जिन्होंने एक बहुत सुंदर औरत की मूर्ति बनाई। इतनी अद्भुत मूर्ति बनाई कि उन्होंने जी जान डाल के उसको मतलब बहुत अच्छी तरह से स्कल्प्ट किया, और उसमें उनको इतना जी जान डाल दिया कि उस मूर्ति से उनको प्यार हो गया, और इतना प्यार हो गया कि उनको लग रहा था कि असल में ये औरत मेरी जिंदगी में सहभागी बने। पर क्या था, वो मूर्ति थी और वो बन तो नहीं सकती थी, पर उनकी इच्छा इतनी प्रबल थी कि एफ्रोडाइटी द गॉडेस ऑफ लव, उन्होंने क्या किया, उसकी इच्छा को पूर्ति की और उसमें जान डाल दी। पैग्निलियन का झुकाव उस मूर्ति की तरफ बहुत ज्यादा था, इतनी प्रबल उसकी फिक्सेशन थी कि उस मूर्ति को आखिरकार जीवित ही होना पड़ा। तो आप देखिए, अगर आप की कोई एक्सपेक्टेशंस है और आप उस पे बहुत फोकस करेंगे तो देखिए उसका आउटकम कितना अद्भुत निकल के आता है। बाद में ये पैग्निलियन इफेक्ट को रोजेंथन और जैकबसन के नाम से जाना गया। 1968 में रोजेंथन और जैकबसन ने एक स्टूडेंट्स के ऊपर आईक्यू टेस्ट करने की सोची। टेस्ट इसलिए लिया गया कि वो पता लगा सके कि कौन सा स्टूडेंट उस साल सर्वश्रेष्ठ रहेगा। फिर रोजेंथन और जैकबसन ने बिना रिजल्ट पे पहुंचे पहले कुछ स्टूडेंट्स को अलग किया और टीचर को बताया कि वे ये अच्छा परफॉर्म करेंगे। फिर सब स्टूडेंट्स का आईक्यू टेस्ट लिया गया। उसमें क्या पाया गया, जो स्टूडेंट्स को अलग रखा गया था उन्होंने वाकई में बहुत अच्छा किया, और जिनको नहीं बोला गया था उन्होंने कुछ भी नहीं किया, नॉर्मल रहे वो। इससे निकल के क्या आया कि जिनको टीचर ने एक्सपेक्ट करती है कि वो अच्छा करेंगे, वो स्टूडेंट्स वाकई में उम्दा करते हैं। कहा जाता है कि ये एक साइकोलॉजिकल फिनोमिनन है, एक मनोवैज्ञानिक कारण है, यानी कि आप किसी के प्रति एक्सपेक्टेशन बहुत अच्छी रखेंगे तो वो बहुत जरूर से अच्छा करेगा। फिर रोजेंथन ने बताया कि ये क्लासरूम में क्यों इफेक्टिव है। उन्होंने कहा इसके चार कारण हैं, क्लाइमेट, इनपुट, आउटपुट एंड फीडबैक। अगर टीचर की एक्सपेक्टेशन अच्छी होगी तो वो बहुत अच्छा एनवायरमेंट क्रिएट करेगी, और इनपुट टीचर उनको बेटर क्वालिटी के टीचिंग मटेरियल देगी, और आउटपुट क्या होगा, टीचर उनसे उनको बहुत अपॉर्चुनिटी देगी अपनी प्रतिभा को आगे लाने के लिए, और फीडबैक यानी टीचर उनको प्रोत्साहित करेगी कि तुम और अच्छा कर सकते हो। ये बात ऑफिस में भी लागू होती है, इम्प्रेशन मैटर्स। बॉस के संग अगर आप रेपुटेशन अच्छा रखेंगे तो वो आपको एनकरेज करेंगे, सपोर्ट करेंगे आगे बढ़ने के लिए। इस इफेक्ट के अगर पॉजिटिव व्यूज भी आते हैं तो क्रिटिकल व्यूज भी आते हैं। क्रिटिक्स क्या कहते हैं, उनका मानना है कि ये जो इफेक्ट है ये लो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस वाले लोगों के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। उनका कहना है कि गरीब लोगों को हमेशा रिजेक्शन मिलता है, शिक्षा और आर्थिक क्षेत्र में असमानता देखने को मिलती है। पर यहाँ मैं ये कहना चाहूंगी कि आपकी इच्छा शक्ति इतनी अच्छी होनी चाहिए कि आपको लगे कि हम आगे बढ़ रहे हैं। देखिए गुदड़ी में भी तो लाल पैदा होते हैं ना। फिर कई लोगों का तो ये भी मानना है कि ये सिर्फ एक दो स्टूडेंट्स पे काम कर सकता है और ग्रुप वाले स्टूडेंट्स पे बिल्कुल काम नहीं कर सकता। पर इसमें भी एक साइकोलॉजिस्ट डोव हीडन ने इसराइल डिफेंस फोर्स पलटून पे काम किया। उन्होंने क्या एग्जाम्पल दिया, उन्होंने दो पलटून ग्रुप लिए और उनको अलग अलग एक लीडर दे दिया, और उनको चार कम से कम एरिया में टेस्ट किया गया, फिजिकल फिटनेस, थ्योरी, शूटिंग एंड प्रैक्टिकल स्पेशलिटी। किसी एक पलटून के ग्रुप को लीडर को बुलाया गया और उनको कहा गया कि तुम्हारा ग्रुप बहुत अच्छा करेगा, और दूसरे ग्रुप को कुछ नहीं कहा गया। जब टेस्ट हुआ और 10 सप्ताह के बाद डोव हीडन ने पाया कि जो ग्रुप को बोला गया था कि वो अच्छा करेंगे तो वाकई में उन्होंने बहुत अच्छा किया, बनस्पित जिस ग्रुप को कुछ नहीं बोला गया, जिनसे अच्छा परफॉर्म करना ना है उनसे उनकी मैनिफेस्टिंग बहुत अच्छी करी गई। इससे पता चलता है कि एक दो लोगों के लिए नहीं, ये ग्रुप पे भी काम कर सकता है। अगर आपके वो एक ग्रुप में परफॉर्मेंस ठीक करानी है
तो ये इफेक्ट वहाँ पर भी बहुत काम आएगा। तो ये इफेक्ट बताता है कि अगर आप किसी से अच्छा कार्य कराना चाहते हैं, उम्मीद रखते हैं, तो वो जरूर से अच्छा परफॉर्म करेगा। इसका अफेक्ट क्या? सबकॉन्शियस है। पॉजिटिव एक्सपेक्टेशन इन्फ्लुएंस पर्सन पॉजिटिवली। आजकल तो भाई एआई का जमाना है, अगर एआई में पैग्मिलियन इफेक्ट से एआई का अगर परफॉर्मेंस आउटपुट निकल के बेटर आ सकता है, तो मैं तो चाहूंगी कि एआई में भी इसका प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि आप इसको और बेहतर करने की कोशिश में लगे रहेंगे और कर भी पाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये एक बहुत प्रॉमिसिंग रिजल्ट देता है। थेरेपिस्ट, साइकोथेरेपिस्ट शुड ऑल्सो ट्राई इट, और वो कर भी रहे हैं। किसी को आपको अच्छा करना है तो उसके लिए एक अच्छा पॉजिटिव सपोर्टिव एटमॉस्फेयर क्रिएट करें। आप किसी के लिए विचार करेंगे कि वो सक्सीड कर सकता है, अच्छा कर सकता है, तो वो वाकई में वो अच्छा करेगा और अच्छा बन के दिखाएगा। पॉजिटिव एटीट्यूड ब्रिंग पॉजिटिव रिजल्ट इन एनीवन्स बिहेवियर। इस विषय पे सोशल मीडिया पे एक रिसर्च की बात चल रही है, जिसकी कोई पुष्टि नहीं है और इसकी मैं प्रामाणिकता भी नहीं देखती हूँ, पर यहाँ मैं आपको बताना चाहूंगी कि इस रिसर्च से ऐसा लगता है कि पैग्मिलियन इफेक्ट कितना इफेक्टिव है और कितना काम कर जाता है। कहा जाता है कि यूएसए के एक जेल में दो क्रिमिनल को सजाए मौत की सजा सुनाई गई। सजा से दो दिन पहले दोनों को बुलाया गया और बोला कि तुमको मौत कैसे मिलेगी, सांप के काटने से मिलेगी, और पर दोनों को अलग अलग दिन ये मौत की सजा दी जाएगी। तो दोनों कैदियों को लाया गया, दोनों को आमने सामने बिठाया गया, एक कैदी की आंख में काली पट्टी बांध दी और दूसरे को बोला गया कि तुमको उसको देखना है कि उसको उसकी मौत कैसे हो रही है। जो कैदी को आग पे काली पट्टी बांधी गई थी उसको कटवा दिया सांप से और वो वहीं मर गया। और ये सब दूसरे कैदी ने अपने आंखों से सब चीज देखा। फिर उसको बोला गया कि तुम्हारे संग यही कल होगा। और अगले दिन उस कैदी को लाया गया और उसके आंख पे भी काली पट्टी बांधी गई और बोला कि तुमको सांप से कटवाते हैं। पर क्या हुआ, उसको सांप से नहीं कटवाया, उसको सिर्फ दो सुई चुभो दी गई और उससे क्या हुआ, उसी समय उसकी मौत हो गई। कहा जाता है हार्ट अटैक था, पर जब ऑटोप्सी करी गई तो उसके पेट में वही सांप का जहर पाया गया जिस सांप से पहले कैदी को कटवाया गया था। तो देखिए फ्रेंड्स, सोच मात्र ही सिर्फ इंसान की मन स्थिति को कितना चेंज कर देती है। ये तो मैं सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पे पेश कर रही हूँ, क्योंकि अभी इसको सब सोशल मीडिया ने और सब न्यूज़पेपर ने इसकी कोई पुष्टि नहीं कही है, पर फिर भी देखिए पैग्मिलियन इफेक्ट यहाँ कितना काम आया है। क्योंकि जिस व्यक्ति को बोला गया कि तेरे संग ये होगा ये होगा ये होगा, और वो होके ही रहा उसके संग, जबकि वो सांप से नहीं कटवाया गया था। पैग्मिलियन इफेक्ट हर जगह काम करता जाता है, चाहे वो आप बंदरों में ले लो, पशुओं में ले लो या इंसानों में ले लो। अगर आप अपने बच्चे को ये बोलेंगे कि तुम कर सकते हो तो वाकई में वो करेगा। यहाँ पर स्ट्रेस लेवल की बात नहीं है, ये इफेक्ट है कि आप अपने बच्चे को पॉजिटिवली आप बोल रहे हैं और उसके माइंड को आप पॉजिटिवली चेंज कर रहे हैं। सो फ्रेंड्स, आप केवल अपने लिए ही नहीं, दूसरों के लिए भी अच्छा सोचें। आप दूसरों के लिए अच्छा सोचेंगे तो उनके संग अच्छा होगा, और उसका इफेक्ट क्या होगा, आपके बॉडी भी अच्छा होगा और आपके संग भी बहुत अच्छा होगा। धन्यवाद।